सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईमेल स्क्राइबन। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ईमेल स्क्राइबन होता क्या है, हाउ टू राइट देम, ईमेल स्क्राइबन लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या है, और हम चैप्टर 1 जो हमारा हालू है उसका हम ईमेल लिखना सीखेंगे। ठीक है, सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन आता है ईमेल स्क्राइबन होता क्या है। तो गाइस ईमेल स्क्राइबन बेसिकली ईमेल और श्राइबन, श्राइबन मींस होता है टू राइट, तो ईमेल श्राइबन ईमेल राइटिंग। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ईमेल जर्मन में लिखते क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो गाइस बेसिकली जो ईमेल है वो कुछ नहीं है, इट जस्ट राइटिंग सॉरी आंसरिंग द क्वेश्चन इन द पैराग्राफ फॉर्म। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे हमें, उन्हें बस हमें पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर करना है। अब कैसे करना देखते हैं। अब जो हमारा चैप्टर 1 था हालो, अब उसमें हमें टोटल बस दो क्वेश्चंस दिए पूरे चैप्टर में, और अब हमें उसे पैराग्राफ फॉर्म में आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है वी हाइज डू। ठीक है, अब याद रखना गाइस जो ईमेल पे क्वेश्चंस होंगे ना वो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होंगे, वो चैप्टर के बेस पर ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में होता है जैसे चैप्टर के बेस पर क्वेश्चन आंसर ही होता है, वैसे ये भी है चैप्टर के बेस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे वी हाइज डू, वॉट इज योर नेम, पढ़ा था इस चैप्टर में हमने, और वी आर बिज डू मीन्स हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपको अपना नाम और आप कितने साल की हो वो आपको आंसर करना है। अभी वो कैसे लिखते हैं देखो, सबसे पहला फॉर्मेट है, सबसे पहले हम ये वर्ड यूज करते हैं ईमेल का, हमेशा टॉप है लीबर, सॉरी यहां पर ई लगी गाइस। ठीक है, जब भी हम ईमेल स्टार्ट करते हैं गाइस तो हम लीबर और लीबर वर्ड का यूज करते हैं। अगर हमें किसी बॉय को लिख रहे फॉर एग्जाम्पल तो हम वर्ड यूज करते हैं लीबर, और गर्ल को यूज गर्ल को लिखते हैं तो लीबर। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दोनों सेम है, बस बॉय में लास्ट में आर आ जाता है और गर्ल में नहीं आता। अब एक चीज से आप याद कर सकते हो, जैसे लीबर में एयर वर्ड आ रहा है तो हमें पता है एयर मतलब लड़कों के मेल के लिए यूज किया जाता है, तो इससे आप लर्न कर सकते हो कि लीबर बॉय के लिए होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। ठीक है, अब देखो गाइस इस चैप्टर में हमें एक बॉय जिसका नाम है बेन, हमें इसे अपना नाम और एज सेंड करने ईमेल के थ्रू। अब देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर, हमेशा पहले टॉप पे हम लिखते हैं लीबर, और अब लीबर बॉय के लिए ऑफ कोर्स तो बेन है बॉय, तो हम बॉय का नाम लिख देंगे लीबर बेन। उसके बाद हम एक कॉमा डालते हैं लीबर बेन, लीबर का मतलब होता है गाइस डियर, डियर बेन। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आंसर करने से पहले पहले हम उसका हाल चाल पूछते हैं। ठीक है, अब कैसे पूछेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं उसके बाद वी गेट्स, मतलब हम पूछ रहे हैं उससे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे, और हम अपना भी बता देते हैं मी आर गेट गुड, मतलब आई एम गुड। ठीक है, गाइस जब ये लिख लेते पूछ लेते और अपना आंसर कर लेते उसके बाद हम ये सब क्वेश्चन जो है उसे आंसर करते हैं वन बाय वन। अब देखो गाइस कैसे करते हैं, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है वी हाइस्ट डू, मतलब व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट इज योर नेम, जैसे मेरा नाम अरीज है, अब सिंपली हम लिख देंगे एश बेन अरीज, जैसे ये मेरा नाम है, आपको बस अपना नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी आर बिजी, मतलब हाउ ओल्ड आर यू, अब कैसे मैं अपना बता दूंगा मैं कितने इयर्स का हूं, इश बिन स्वल्फ, ट्वेल्फ को हम क्या बोलते हैं स्वल्फ, पढ़ा था यार ओल्ड, मतलब इयर्स ओल्ड। और अब ये जा नहीं जे नहीं है तो जा रहे मत पढ़ना, जे के साउंड वाई होती है, तो यार यार अल्ट ईयर ओल्ड, ट्वेल्थ ईयर ओल्ड, ट्वेल्थ यार अल्ट। ठीक है, देखो गाइस हो गया सिंपली खत्म, हो गया ईमेल लिख लिया, बस हमें एक एक करके क्वेश्चन को आंसर करना होता है ईमेल में। अब देखो इसके बाद का भी एक और फॉर्मेट, जब हम क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं एक एक करके उसके बाद हम लिखते हैं फीलर ग्रोस, इसका मतलब होता है बेस्ट विशेस। ठीक है, फीलर ग्रोस मतलब क्या होता है, बेस्ट विशेस। अब अपना नाम लिख दो, किसके तरफ से बेस्ट विशेस, जैसे मेरे तरफ से तो मैं अपना नाम लिख दिया अरीज आलम। और हमेशा ध्यान रखना
लास्ट में अपना पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ईमेल चैप्टर वन का, बहुत इजी है, मैं आपको बता दी ईमेल कैसे लिखते हैं। आपको उसी फॉर्मेट याद रखना है, ये वी गेस मिया गेस और शुरू का और लास्ट का और अपना नाम, और बीच में जो पैराग्राफ होता है वो बस हमें क्वेश्चन को सिंपली आंसर करना होता है, वन बाय वन बाय वन बाय वन, ठीक है। सो गाइस यहीं के साथ हमारे ये जो आज की वीडियो वो एंड होता है। होप आपको आज की वीडियो पसंद होगी, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब करना, और गाइस जो सब्सक्राइबर चैनल की मुझे वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है और आपको सब्सक्राइब करने में 2 मिनट लगेगा, तो जो नीचे रेड कलर का बटन है डू सब्सक्राइब इट और हिट द लाइक बटन और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो वी विल गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑफ डेज इन ऑन बेस बाय।